सरकार की स्मार्ट सिटी योजना को लेकर लालबाग स्थित स्मार्ट सिटी ऑफिस में बड़ी बैठक की गई। इस दौरान नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह सहित कई अधिकारी और टेलीकॉम कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहे। बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने लखनऊ के गली मोहल्ले और मुख्य मार्गों पर लगे मकर जाल की तरह वायर को अंडरग्राउंड करने के निर्देश दिए। वहीं बैठक के दौरान शहर को स्वच्छ बनाने पर भी मंथन हुआ। इसके साथ ही सीमा विस्तार करने वाले क्षेत्रों में भी जल्द विकास कार्य शुरू करने के नगर आयुक्त ने निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी योजना को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। मेरे साथ बात करने के लिए नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी हैं। सर, आज ये बैठक बुलाई गई थी, कौन कौन इसमें शामिल हुए, क्या चर्चा हुई? जैसे स्मार्ट सिटी का जो एरिया है, ये एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होता है और इसमें जो एरिया आइडेंटिफाई पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं, तो उस एरिया के अंतर्गत जो हमारा ये केसरबाग के आसपास का एरिया है, रूट्स 12 रूट आइडेंटिफाई की गई है जिसमें डक्ट का प्रोविजन किया गया है। तो डक्ट में क्या होता है कि जितना भी हमारी यूटिलिटीज़ है वो उसमें रहेगी, ओवरहेड नहीं दिखेगा। इसमें बिजली के तार भी है और हमारे केबल या टेलीकॉम के तार भी है। तो उन 12 रोड्स में से हमारे 8 रोड्स में डक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो टेलीकॉम सेक्टर्स को हमने बुला के उनसे कहा है कि वो अपनी जितनी भी यूटिलिटी की तारें हैं उसके अंदर शिफ्ट कर लें, ताकि जो एक जाल दिखता है ऊपर उसको जो है वो हम लोग ख़त्म कर सकें। और इसके साथ साथ जो बाकी एरियाज है बाकी शहर के, उसमें कैसे अगले एक साल के अंदर योजनाबद्ध तरीके से इन तारों को हम अंडरग्राउंड कर सकें, उसके लिए सारे टेलीकॉम कंपनीज आई थी। आप लोग के लिए एक बड़ा चैलेंज है, कुछ एरियों का सीमा विस्तार भी हुआ है, तो वहाँ किस तरह से आप योजना बना रहे? जो सीमा विस्तार के एरिया है तो शासन ने हमें उसके लिए अलग से फंड दिया है। उसका भी जो इक्विपमेंट खरीदने हैं स्वच्छ भारत मिशन में, उसका टेंडर जो एक हुआ था लेकिन वो निरस्त करना पड़ा क्योंकि उसमें कंप्लेंट्स बहुत आ गई, तो आज या कल में वो रीटेंडर हो रहा है और उसके जो इक्विपमेंट हम लोग अलग से लेंगे, वहाँ MRF अलग से बनेगा, तो उसमें सफाई व्यवस्था हम और बेहतर देंगे बहुत जल्द। कैमरा पर्सन अमीश के साथ कफील उर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।